सरायकेला में बुधवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है, सत्ता के लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि चंपाई सोरेन ऊपर से टपके थे क्या? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं थे? उनके कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। जनजातीय समाज को ही बेइज्जत करने का काम सरकार कर रही है। सरायकेला में बुधवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है, सत्ता के लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि चंपाई सोरेन ऊपर से टपके थे क्या? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं थे? उनके कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। जनजातीय समाज को ही बेइज्जत करने का काम सरकार कर रही है।
पर सरायकेला में बुधवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है, सत्ता के लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि चंपाई सोरेन ऊपर से टपके थे क्या? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं थे? उनके कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। जनजातीय समाज को ही बेइज्जत करने का काम सरकार कर रही है। पर सरायकेला में बुधवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है, सत्ता के लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि चंपाई सोरेन ऊपर से टपके थे क्या? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं थे? उनके कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। जनजातीय समाज को ही बेइज्जत करने का काम सरकार कर रही है। भाजपा आ रहा है, अरे भाजपा आ रहा है तो ये क्यों नहीं बता रहे हो कि जिस